फ्रेंड्स, मैं विशाल और आज मैंने हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मैंने आज एक अमेजिंग सी मशीन बनाई है जो कि आपका होमवर्क चुटकियों में कर देगी। अब स्कूल से कितना ही ज्यादा होमवर्क मिले, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मशीन हमारा सारा का सारा होमवर्क चुटकियों में कर देगी। तो भाई बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो है, देखते इस वाली वीडियो को और कैसे बनाई मैंने इस वाली मशीन को, पूरा नॉलेज इस वाली वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं आप सभी को। और गाइस, अगर आप इस वाली मशीन को बनाना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो mbbazaar.com से। तो भाई ये है हमारी राइटिंग मशीन जो कि स्वप्निल भाई और मेरे द्वारा अभी एमबी बाजार पर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। और ये जो गाइस पूरी टोटली घर पे बनाई गई है और आप सभी के लिए एमबी बाजार पर डाली गई है जो कि आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर जो गाइस इसके पार्ट्स है वो सारे के सारे 3D प्रिंटेड है। और यहाँ पर जो है मैं आपको असेंबल करके दिखाने वाला हूँ इस मशीन को। और अगर आप चाहते हो कि आपको असेंबल करना नहीं आता है, आप पूरी बनी हुई चाहिए आपको, तो भी आपको मिल जाएगी एमबी बाजार पर। आप चाहते हो कि बस हमें 3D पार्ट्स चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि हमें 3D पार्ट्स और इसके मोटर्स और कंट्रोलर सब कुछ चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सभी को असेंबल करेंगे हम और यहाँ पर देखेंगे ये कैसे काम करती है, सब कुछ इसका देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें 2 स्टेपर मोटर मिली है जो कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में इस साइज की है। और गाइस इसके ऊपर साइड में पुली भी लगी हुई है जो कि हमारे बेल्ट को रन करवाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 माउंट मिल जाता है हमें जो कि हमारे स्टेपर मोटर लगने वाले हैं इसके अंदर। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस मोटर को यहाँ पर इस टाइप से अटैच करके यहाँ पर स्क्रू के द्वारा कसना होगा इसको। और स्क्रू जो है गाइज आपको इस टाइप का बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पर गाइज इसका बेल्ट, स्क्रू जितने भी लगने वाले हैं, जो भी शाफ्ट लगने वाली छोटी वो भी इसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो सारा सामान आपको इस वाले किट के अंदर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको असेंबल कर सकते हो आराम से। और गाइज इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसको हमने खुद ने डिज़ाइन किया है। तो इस टाइप से डिज़ाइन किया है इसको कि हर कोई इसको बना सके इजीली। लेकिन गाइज अगर आप ज़्यादा छोटे हो, आपको नहीं आता ये सब कुछ करना, तो आप डायरेक्टली इसको बनी हुई भी ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है डायरेक्टली ख़रीद के इसको डायरेक्टली चलाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंदर 4 हमें शाफ्ट मिलेगी जिसमें से 2 लंबी शाफ्ट को हमें क्या करना होगा मोटर माउंट के बीच में लगाना होगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर होल है, इस होल के अंदर शाफ्ट को लगाना है और ऊपर से हमें यहाँ पर स्क्रू के द्वारा इसको कस देना है। भाई अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारी मशीन का मिडिल पॉइंट जो है वो यहाँ पर लेना होगा। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पर शाफ्ट बेरिंग भी लगे हुए हैं और हमारे नॉर्मल बेरिंग जो होते हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं अंदर की साइड में। तो यहाँ पर जो है हमारे शाफ्ट बेरिंग 8 लगे हुए हैं और नॉर्मल बेरिंग जो है छोटी साइज के वो 4 लगे हुए हैं, जो कि हमारे छोटे वाले जो बेरिंग है गाइस उसके ऊपर बेल्ट रन होने वाला है और जो शाफ्ट बेरिंग है वहाँ पर हमारे शाफ्ट लगने वाली है। तो अब इसको लगाने के बाद में हमारा दूसरा वाला जो मोटर वाला माउंट है उसको भी लगा देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था उसी टाइप से। अब यहाँ पर देख सकते हो मिडल वाला पॉइंट है वो यहाँ पर अच्छे से रन कर रहा है क्योंकि इसके अंदर बेरिंग लगाए हुए हैं शाफ्ट, जो कि इसको बिल्कुल स्मूथली रन करवाता है। अब यहाँ पर एक पार्ट और हमें मिलने वाला है जिसके अंदर एक मिडल में एक बेरिंग लगा हुआ है छोटा सा, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर शाफ्ट मिली होगी छोटी वाली, वो यहाँ पर लगानी होगी। तो इसको इस टाइप से लगाएंगे और ऊपर से स्क्रू कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस दोनों शाफ्ट को हमारे शाफ्ट बेरिंग के अंदर लगाना होगा मिडल पॉइंट के अंदर और आगे की साइड में निकालना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पार्ट और मिलता है जिसके अंदर सर्वो मोटर लगी हुई है, और गाइस इसके अंदर यहाँ पर मेटल गियर सर्वो मोटर लगी हुई है जो कि हमारी पेन जो होगा उसको ऊपर और नीचे की साइड में मूवमेंट देगा। तो यहाँ पर हमें 2 होल और मिल जाते हैं जिसमें हमारी शाफ्ट जो है यहाँ पर लग जाएगी और नीचे की साइड में स्क्रू है उसको लगा देंगे। और गाइज इसको जो असेंबल करना है बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको बच्चा भी होगा ना छोटा सा कोई अगर तो वो भी असेंबल कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ ही टाइम में इसको असेंबल कर दिया है, और एक यहाँ पर साथ में एक बड़ा सा स्क्रू मिलेगा आपको जो कि हमारी दोनों तरफ जो हमारी मोटर लगी हुई है माउंट उनको बीच में लगने वाला है जो कि इसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से लगा देंगे नट बोल्ट के द्वारा। इसी टाइप से गाइज हमारी दूसरी तरफ भी हमें क्या करना होगा, नट बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट करना होगा ताकि ये बार बार हिले नहीं और हमारा जो इसका सेटिंग वो बिगड़े नहीं बीच में से। फाइनली गाइज हमारी मशीन जो यहाँ पर असेंबल हो चुकी है और यहाँ पर ये अच्छे से मूवमेंट कर रही है। अब हमें यहाँ पर इसमें
बेल्ट लगाना होगा ताकि हमारा जो पूरा मशीन वो अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर जो बेल्ट देख सकते हो इस टाइप का टीथ वाला बेल्ट दिया गया है ताकि कोई स्लिप ना हो सके इसके अंदर। और इसको लगाने में आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, सर्वो मोटर के यहाँ से स्टार्ट करना है और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से यहाँ पर इसको अच्छे से फिट करना होगा। तो बीच में इसमें चार बेयरिंग लगे हुए हैं जो कि इसके सपोर्ट के लिए दिए गए हैं हमारे बेल्ट के, तो उनके ऊपर से होकर इनको निकालना होगा। तो गाइज अब यहाँ पर दोनों बेल्ट का जो मुंह है उनको निकाल दिया हमने बाहर की साइड में सर्वो मोटर के आगे की साइड में, और उसको यहाँ पर दोनों साइड में रखेंगे इस टाइप से। और साथ ही में आपको एक पार्ट और मिलेगा जो कि एच टाइप का है, तो यहाँ पर इसको आगे की साइड में रखेंगे यहाँ पर और स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर देंगे। तो स्क्रू भी इसी के साथ में दिए गए हैं, आपको अलग से कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और गाइज ये जो पार्ट हम लगाएंगे इससे बेल्ट भी अच्छे से टाइट हो जाएगा, कोई स्लिप नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है बेल्ट को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाइट रखा तो मोटर पे लोड पड़ेगा और ज़्यादा लूज़ रहेगा तो ये बार बार पुली से निकल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने बेल्ट किस टाइप से लगाया, बीच में चार बेयरिंग लगे हुए हैं, उन चारों के ऊपर यहाँ पर इसको सेट करना है और चारों तरफ यहाँ पर निकाल देना है। फाइनली गाइज इसके अंदर हमें यहाँ पर दो शाफ्ट और मिलेगी छोटी साइज की पतली सी, वो लेनी है यहाँ पर। तो भाइयों इन दोनों शाफ्ट को लेना है और यहाँ पर हमें एक पेन होल्डर मिलेगा, इस पेन होल्डर को यहाँ पर लगाकर ऊपर से शाफ्ट को डालना है, जिससे गाइज यहाँ पर जो हमारा पेन होल्डर है वो यहाँ पर लग जाएगा और ऊपर नीचे की साइड में मूवमेंट करता रहेगा। अब यहाँ पर एक रबर बैंड मिलेगा हमें, इस रबर बैंड को इसके ऊपर यहाँ पर लगाना है जिससे गाइज ये जो है ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका कंट्रोलर सेट करना होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारी मशीन जो है वो काम नहीं करेगी, पूरा कंट्रोलर काम करेगा। यहाँ पर हमारी मशीन को बताएगा कौन से मोटर को कितनी डायरेक्शन में घूमना है, कितनी डिग्री पे घूमना है, सब कुछ यहाँ पर इस कंट्रोलर के हाथ में। तो ये जो कंट्रोलर है आर्डुइनो बेस है, इसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको दिया जाएगा, आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपको यहाँ पर इसके जो पिन्स है उनको कनेक्शन करना होगा और बाद में आपकी मशीन जो यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक 12 वोल्ट का फीमेल एडाप्टर जैक भी दिया गया है और यहाँ पर हमारा सब कुछ इसके अंदर सेट किया हुआ है। बस यहाँ पर आप देख सकते हो दो पिन दी गई है हमारी स्टेपर मोटर्स के लिए, जिनको हम डायरेक्ट स्टेपर मोटर के अंदर लगा देंगे, और एक पिन और बाद में बचेगी जो कि हमारे सर्वो मोटर में लगने वाली है। तो यहाँ पर हमारी जो मोटर है इसके ऊपर लिखा होगा ए और बी, जहाँ पर ए लिखा होगा गाइस वो जो मोटर है उस मोटर में ए वाली पिन लग जाएगी और बी वाले में बी वाली पिन लग जाएगी इजीली। अब दूसरी वाली जो पिन बचेगी जो लास्ट वाली पिन है वो हमारे सर्वो मोटर में लग जाएगी। फाइनली अब यहाँ पर इसको पावर देने के लिए आपको एक एडाप्टर मिलने वाला है इसके साथ में, जो कि एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर है जो हमारी पूरी मशीन को पावर सप्लाई देने वाला है। और ये जो भी अच्छी क्वालिटी वाला दिया गया है ताकि हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में पावर सप्लाई के अंदर। और पीछे की साइड में एक इंडिकेटर लाइट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्डुइनो के अंदर इस पिन को लगा देंगे पावर सप्लाई वाली को, तो यहाँ पर हमारे दोनों के अंदर चला जाएगा, मोटर ड्राइवर के अंदर भी और हमारे आर्डुइनो के अंदर भी पावर सप्लाई। और आर्डुइनो की जो केबल है वो यहाँ पर लगा देंगे इसके अंदर, और दूसरा वाला जो पिन है आप देख सकते हो यूएसबी पिन, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर लग जाएगी। अब हमें यहाँ पर पेन लगाना होगा इसके अंदर, तो पेन लगाकर हम इसके यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट कर देंगे। गाइस इस मशीन को चलाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने परचेस कर ली उसके बाद आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो ये नहीं चला सकते हो आप। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में एक पेपर लगा देंगे गाइस, और पेपर लगाने के बाद में यहाँ पर ये आगे पीछे हिले ना इसलिए यहाँ पर टेप में लगा दूंगा। तो गाइज अब यहाँ पर इसको चलाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि हमारा पूरा मशीन को ऑपरेट करेगी। और इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, इसको अगर मैं इस वाली वीडियो के अंदर दिखाता तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती, लगभग मान लीजिए आप 20-25 मिनट की। तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को इतना लंबा करूँ मैं, इसलिए हमारे स्वप्निल भाई ने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको उस वाली वीडियो के अंदर दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो इसको बनाना, मशीन को घर पे परचेस करना, तो उस वाली वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मशीन का भी, और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं डोरेमोन का यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ गाइस, और काफ़ी इजीली यहाँ पर हमारे डोरेमोन का इसने बना दिया है, देख सकते हो आप।
और गाइज यहाँ पर जो है इसमें पेन का यूज़ किया जाता है, प्रिंटर जो होता है गाइज उसके अंदर इंक का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट वो प्रिंट करता है, तो वहाँ पर क्या है कि हमें ओरिजिनलिटी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ये गाइज ये पेन का यूज़ करता है, जिससे क्या होगा गाइज कि कोई अगर देखेगा तो यहाँ पर वही समझ में आएगा किसी ने हाथ से बनाया इसको ड्राइंग को। तो गाइज यहाँ पर ये पेन से पूरा का पूरा लिखता है, इसके अंदर मार्कर भी लगा सकते हैं, पेंसिल भी लगा सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे इससे। तो अभी 15 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त पे हम यहाँ पर ऐसे लिखने वाले हैं। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैं इसमें कर्सिव राइटिंग में सेट कर चुका हूँ इसको, जैसे हमारी हैंड राइटिंग होती है उस टाइप से। आप कोई सा भी इसके अंदर हैंड राइटिंग सेट कर सकते हो और वो उस हैंड राइटिंग में लिख देगा यहाँ पर। तो ये जो है एक पेन से लिखता है। बहुत सारे बोलेंगे कि इसमें हम प्रिंटर का यूज़ भी तो कर सकते हैं, लेकिन गाइज प्रिंटर में क्या होता है वो डायरेक्ट प्रिंट करता है, यहाँ पर ये पेन से लिख रहा है। जैसे हम हाथ से लिखते हैं उसी टाइप से यहाँ पर हाथ से लिखता है, जैसे कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये जो है हाथ से लिखा हुआ है, किसी मशीन से नहीं लिखवाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो इसकी स्पीड आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो कंप्यूटर के अनुसार, कि आपको धीरे लिखना है या फिर जल्दी जल्दी लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों स्पीड में इसमें चलाकर दिखाया आप सभी को, और ये कुछ ही टाइम में यहाँ पर पूरा हमारा पेपर को लिखकर भर देता है आराम से। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर आप कोई सी भी हैंडराइटिंग डाल सकते हो, जैसे कि आपको जो भी अच्छी लगती है वो लिख सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद लिखने के बाद अगर आप किसी को दिखाओगे कि यार ये जो है मैंने लिखा है या फिर किसी मशीन से लिखवाया है, तो वो ऑफिशियली बोलेगा कि ये जो है आपने हाथ से लिखा, क्योंकि इसमें पेन का यूज़ किया गया है। पेन जो होता है वो गाइस वो अपन हाथ से लिखते हैं, उसी टाइप का यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम लिखा होता है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको राइटिंग मशीन बोला जाता है, ताकि हाथ से लिखा हो इसमें पूरा दिखता है। और अगर आप चाहते हो इसको बनाना तो आराम से बना सकते हो, आप वीडियो को पूरा समझिए। और सेकंड वाला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम गाइस इसमें एक ड्राइंग बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे हम यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट तरीके से बना देता है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसके अंदर कलर भी डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो इसको पूरा, आपको आपके अनुसार आप पूरा सेट कर सकते हो। मैं इस वाली वीडियो के अंदर पूरा अगर आपको डिटेल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आप अलग अलग पार्ट्स में बनाई गई है आप सभी के लिए वीडियो, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए आप कितना जल्दी से काम कर रही है और कितने अच्छी तरीके से। तो गाइस फाइनली हमारी मशीन जो काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है, आप इसमें कुछ भी लिखने के लिए दे दीजिए, ये लिख देगी पूरी। आप कुछ बनवाना चाहते हो जैसे कि ड्राइंग बनाना चाहते हो वो भी आराम से बना देगी। अगर आप चाहते हो उसको घर पे बनाना तो इसके सभी पार्ट्स एमवी बाजार पे उपलब्ध है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार भाई हमें तो ये इतना सारा झंझट नहीं पता है, इसको कैसे सॉफ्टवेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसका हार्डवेयर कैसे असेंबल करना, हमें कुछ भी नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली एमवी बाजार से इस वाली मशीन को खरीद सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भाई अगर आप चाहते हो कि आप अलग अलग पार्ट्स लें और उसको घर पे असेंबल करें, घर पे बनाएं, तो इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट के लिए अलग से एक वीडियो बन चुकी है जो कि स्वप्निल भाई ने बना रखी है। स्वप्निल भाई जो अपने भाई है उनका एक अलग से यूट्यूब चैनल है, उन पे भी वो वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, मैंने सोचा कि उसका उनका लिंक डाल दिया जाए इसके अंदर, ठीक है। आप उस वाली वीडियो को देखकर पूरा असेंबल कर सकते हो। और अगर आपको ये परचेस करना है, सारे पार्ट्स अलग अलग भी लेना चाहते हो, तो एमवी बाजार में मिल जाएंगे। पूरी मशीन बनी हुई चाहिए तो भी आपको ये एमवी बाजार में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।